हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल को विद कोमल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी सी चॉकलेटी बर्फी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है। इस दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल पे आपका मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी कॉमेंट में बताना कि मेरी बर्फी आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीका बनाना बताया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस बर्फी को कैसे बनाया है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई लिया है हमने। इसमें हम सबसे पहले हम गैस को ऑन नहीं करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1 कप हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। दूध नॉर्मल है, ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। गैस को ऑन नहीं किया है, गर्म दूध आपको नहीं लेना है। और ये 1/2 कप हम चीनी डाल देंगे। 1 कप हमने मिल्क पाउडर डाला है, 1 कप दूध डाला है, 1/2 कप चीनी डाला है, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने बहुत ही आसान तरीके से ये चॉकलेट बर्फी बनाई है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी पसंद रहती है, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना। तो ये देखिए, गैस को हमने अभी भी ऑन नहीं किया है, पहले सभी चीज़ को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। चीनी की जगह आप चीनी पाउडर भी ले सकते हो, मेरे पास चीनी था तो मैंने चीनी डाल दिया। अभी गैस ऑन कर देंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए 10 मिनट हम इसको चलाएंगे, और आपको बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्रेश मिल्क पाउडर नीचे लगने का ज़्यादा ही डर रहता है, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसको लगातार आपको 10 मिनट चलाते रहना है। अगर आप लगातार चलाए तो गैस को हाई फ्लेम भी रख सकते हो, नहीं तो मीडियम लो फ्लेम करके आप इसको बना सकते हो। तो इसमें 1 छोटा चम्मच हमने देसी घी का डाल दिया, जिससे क्या होगा कि मिल्क पाउडर ज़्यादा चिपकेगा नहीं और बहुत ही स्मूथ सी हमारी ये बर्फी बनेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस दिवाली पे भी आप बना सकते हो। इसमें कोई समय नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी तरीका है, ना हमें इसमें चाशनी का झंझट, कुछ भी झंझट नहीं है अलग से, बस हमें इसको पकाना है 10 मिनट, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लगातार चलाते हुए हमें इसको 10 मिनट पकाना है, तो मैं आपको ऐसे ही बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, जैसे ही थोड़ा गर्म हो रहा है वैसे ही गाढ़ा बनते जा रहा है, आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको लगातार इसको ऐसे ही चलाते रहना है। मैंने यहाँ गैस को हाई फ्लेम में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसके पास खड़ी हूँ, इसको लगातार ऐसे चला रही हूँ। अगर आप बीच बीच में कुछ करना चाहते हो तो गैस को मीडियम लो फ्लेम भी रख सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इसको देखिए लगातार चला रही हूँ, गैस को मैंने हाई फ्लेम में कर रखा है, इस टाइम मैंने मीडियम लो फ्लेम नहीं किया, आप देख पा रहे हूँ। तो ये देखिए, अभी 7-8 मिनट हुए हैं, अभी टाइम है। तो ये देखिए, अच्छे से ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। इसमें इलायची पाउडर डाल दिया थोड़ा सा चुटकी भर, और ये कोको पाउडर डालेंगे, इससे ये चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। अगर आप ये पाउडर नहीं डालना चाहते तो सिंपल भी मिल्क पाउडर की ये बर्फी बना सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच ये कोको पाउडर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देना है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, गांठे नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। और ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। और अभी इसको और हमें चलाना है, 3-4 मिनट और चला लेंगे। तो टोटल हम इसको 10 मिनट हमें अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए, अभी ये लिक्विड जैसा ही लग रहा है, तो इसको हम और चलाएंगे। तो 5 मिनट बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बर्फी सेट होने के लिए परफेक्ट है। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी आइडिया हमें क्या करना है। अभी ये देखिए, एकदम डो जैसा बनते जा रहा, कढ़ाई छोड़ रहा है। तो अभी एक प्लेट लेंगे, उसमें ये थोड़ा सा मिश्रण अलग निकाल देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो अगर हाथों के नहीं चिपक रहा तो ये आपका परफेक्ट डो बन गया है बर्फी सेट होने के लिए। अगर चिपक रहा है तो थोड़ा और इसको पका सकते हो। तो मैं अभी आपको, देखिए ये अच्छे से डो हमारा रेडी हो चुका है, और अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, हाथों में नहीं चिपकना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखें। अगर हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा और इसको चला सकते हो। तो ये देखिए, बिल्कुल भी एकदम आसानी से बोल बन पा रही है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं लग रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा बर्फी के लिए डो रेडी है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दी है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये बोल बनाई है।
और ये देखिए अच्छे से हमारा ये डो रेडी हो गया है, तो इसको हम ट्रे में सेट कर देंगे। इसमें मैंने पहले से घी से ग्रीस कर दिया था, इसमें हम इसको सेट करेंगे। तो आप कोई भी थाली या प्लेट में सेट कर सकते हो। तो इसमें मैं ये डो निकाल लेती हूँ। डो से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा परफेक्ट डो बर्फी के लिए बना है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको चॉकलेटी केक भी बोल सकते हो, बर्फी भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने एक केक की तरह ही इसको बना दिया है। तो इसको अच्छे से सेट कर देंगे, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ भी चाशनी कुछ भी नहीं डाला, अलग से कोई झंझट नहीं किया है, सीधा हमने गैस पे इसको पकाया है 10 मिनट के लिए। और ये हमारी बर्फी बनाने के लिए ये डो रेडी हो गया है। तो सेट कर दिया है मैंने इस डो को, अच्छे से सेट हो जाता है। आपको जितना मोटी पतली बर्फी चाहिए उतना आप इसको फैला सकते हो। मुझे थोड़ी मोटी चाहिए तो इसलिए मैंने इसको कम फैलाया है, ज़्यादा नहीं फैलाया है। इस बर्फी से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है उनको। तो ये देखिए अभी हम इसमें और इसको गार्निश के लिए मैं चांदी वर्क लगा रही हूँ। तो चांदी का वर्क आता है कतली, काजू कतली पे लगाया जाता है, मिठाइयों पे लगाया जाता है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इससे ये और भी अच्छी दिखेगी। और थोड़ा सा मैं पिस्ता इसे गार्निश कर दूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, मैं थोड़ा पिस्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पिस्ता डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। तो अच्छे से हमें इसमें ये पिस्ता मैंने लगा दिया, थोड़ा हाथों से दबा सकते हो, कोई भी चम्मच या किसी से भी आप इसको सेट कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे जिससे क्या होगा कि अच्छे से ये इसमें दब जाएंगे, और जब हम कट करेंगे बर्फी को तो ये निकलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से ऐसे दबा देना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें दबाना है। तो ये देखिए अभी हम इसको 10 मिनट बाद में कट करेंगे। तो ये सेट हो चुकी है 10 मिनट में, ये छोड़ देते हैं इसको 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो गई है, बस ठंडा होने के लिए हमने छोड़ा है। अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कट कर लिया है, और ये देखिए आपके इसकी ये देखिए देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। टेक्सचर आप देख रहे होंगे कितना अच्छा इसका दिख रहा है। तो अभी मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब आप ट्राई करके एंजॉय करो तभी आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस दिवाली पे आप बना सकते हो, कुछ भी समय नहीं लगता। तो फ्रेंड्स अगर मेरी चॉकलेट की बर्फी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।